वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने वाले हैं धोकार डालना। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है चने की दाल, जो रात भर मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, सरसों का तेल, घी, गरम मसाला, कुछ हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, तेज पत्ती दो और अदरक कुछ किसा हुआ, मेथी के दाने और सौंफ, नमक हल्दी, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसीलिए सबसे पहले मिक्सर जार ले लें और अदरक के टुकड़ों को और कुछ हरी मिर्चें इसमें डाल लें और इसको पेस्ट कर लें। आप देख सकते हैं मिर्ची और अदरक को मैंने ऐसे पीस लिया है। अब इसी जार में ही हम लोग जो चने की दाल रात भर भिगो के रखा हुआ था वो भी डाल के पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने पेस्ट बना लिया है। ये इस तरह से आपका पेस्ट बनके तैयार होना चाहिए। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर आप थोड़ा सा शक्कर डाल लें और उसको अच्छे से मिला लें। अगर आप शक्कर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हुए फेंट लें। कढ़ाई में आप तेल गरम करने के लिए रख दें। चलिए अब हम लोग तेल गरम करने के लिए रखते हैं और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं तेल गरम हो गई है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा तड़का डालना है। इसके लिए जो सौंफ हम लोगों ने रखी हुई है उसको डालना है। साथ में यहाँ पर एक सीक्रेट बताती हूँ, थोड़ा सा काला जीरा जो होता है, कलौंजी जो होती है, उसको भी आप साथ में डाल लें। जैसे ये क्रैकल करें तो इसके साथ साथ हम लोग जो दाल पीस के रखे हुए थे, अदरक, हरी मिर्च सबके साथ, उस दाल को मिला दें और अच्छे से इसको भूनें। तेल छोड़ते तक का हम लोगों को इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको मिलाते हुए अच्छे से फ्राई करें। आप देख सकते हैं अच्छे से ये भुना गई है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे एक थाली पे। अब थाली में आप इस तरह से फैला के अच्छे से दबा के इसको फैला दें, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम लोगों को इसको
टुकड़े में काट लेने हैं। अब ये ठंडी हो गई है तो इसको हम लोग ऐसे बर्फी के टुकड़े में ये सबको काट लेंगे। जब तक ये कटा रहा है तब तक आप कढ़ाई में तेल भी बिठा दें ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि हम लोग को इसको फ्राई करना है इन टुकड़ों को। घुमा के बर्फी के आकार पे इसको काट लें। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इन टुकड़ों को इसके अंदर तल लेंगे। सारे टुकड़ों को एक एक करके डालें और इसको लाल करके फ्राई कर लें ताकि अंदर तक ये पक जाए। इस समय गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखें और इसको अच्छे से दोनों तरफ लाल करके फ्राई करके उठाएं। अब देख सकते हैं एक तरफ अच्छा सुनहरा लाल हो गया है, तो अब इसको हम लोग पलट लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। इसी तरह से आप पलट के सारे पीसेस को इसी तरह से पलटा पलटा के आप फ्राई कर लें और फ्राई करके निकाल लें। अब देख सकते हैं करीब करीब सारे जो दाल के टिकिया थी वो हम लोगों ने तल लिया है। अब इसी बीच जब लास्ट फ्राई हो रहा है इसी बीच हम लोग ये सारे जो ड्राई मसाले हैं ये अदरक के साथ हम लोग मिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अदरक है, ये जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर है। ये सब चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला के थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे ताकि जब हम लोग मसाले को तेल में डालें तो मसाला जले नहीं। हल्का सा पानी डाल के इसको हम लोग मिला लेंगे। अब देख सकते हैं इसी तरह से मसाले को थोड़ा सा पानी में मिला लें ताकि, और बाकी सारे जो आपके पकौड़ियाँ हैं वो सब आप निकाल लें। देखिए मैंने सारे जो दाल की टिपिया थी ये सब फ्राई करके निकाल लिए हैं। मैंने मसाले को भी अच्छे से पानी में मिला लिया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा कोई ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, उसी तेल में ही हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तेल गरम है ही आपका, इसमें आप डाल लें जो सौंफ रखा हुआ था उसमें से करीब एक डेढ़ चम्मच के आसपास का सौंफ और आधा चम्मच आपका जो मेथी के दाने हैं वो और तेज पत्ते। आप चाहें तो अभी जो मैं स्टेप कर रही हूँ इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ आलू मैं डाल दूंगी सिर्फ इस कारण से कि सब्जी थोड़ा सा बढ़ जाए। आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसमें सब्जी थोड़ी सी आपकी क्वांटिटी में बढ़ जाएगी। थोड़े से आलू डाल लें और इसको लाल करके फ्राई कर लें आलू को। आप देख सकते हैं आलू हल्का भुना गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो मसाला हम लोगों ने पानी में मिला के रखा हुआ था वो पूरा मसाला। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाला को थोड़ा सा मिला ले रही हूँ ताकि मसाला वो इतना है। अब इसको अच्छे से मिला लें। और इसको लगातार चलाते हुए पकाए जब तक इसका तेल किनारे से छूटने न लगे। आप देख सकते हैं कि मसाला अब तेल छोड़ने लगा है। इसको और एक बार अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें मसाला लगातार चलाते हुए भूजें ताकि
मसाला किसी भी सूरत में आपको जलना नहीं चाहिए। मसाला जलेगा तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगी। अब ये मसाला भून चुका है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप उतना डालें जितना ग्रेवी की आपकी रिक्वायरमेंट है और आलू थोड़ा सा हल्का पक जाए। अब इसमें अच्छे से बॉईल आने दें, ये जब खोलेगा अच्छे से उसके बाद हम लोग जो दाल की पकौड़े बना के रखे हुए हैं उसको डालेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से ये खोल गया है और आलू भी थोड़े से नरम पड़ गए हैं। करीब 7-8 मिनट मैंने इसको खोलाया हुआ है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो दाल की हम लोगों ने पकौड़े बना के रखे हुए हैं, जो पिटिया है वो सब, और इसको एक बॉयल अच्छे से आने देंगे। इसको डालने के बाद इसी समय अब हरी मिर्च जो रखा हुआ था वो सब टुकड़ा करके डाल दें, जैसा तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि ये दाल की पिटिया कड़ी को थोड़ा सोख कर लेगी, इसीलिए थोड़ा सा उसी हिसाब से आप कड़ी को रखें। इसमें एक अच्छा बॉयल आने दें। आप देख सकते हैं अच्छा एक बॉयल आ गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे गरम मसाला और घी, और ये दोनों को डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। करीब 2 चम्मच के आसपास का घी आपको इसमें लगेगा। अब इसको अच्छे से मिला लें और उतार लें मनचाहे बर्तन पे। बहुत देर तक इसको खोलाइएगा मत, इसमें आपके जो दाल की जो पिटिया बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगी। वरना हो गया है, अब इसको उतार लें। इसको आप निकाल लें मनचाहे बर्तन पे और चावल के साथ रोटी के साथ आप गर्मा गर्म इसको परोसें। ये सब्जी ऐसी है जिसमें ना प्याज है ना लहसुन है, आप चाहें तो किसी भी पूजा में या फिर प्रसाद में भी आप इसको बना सकते हैं। ये शुद्ध वेज सब्जी है। तो अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। Thank you for watching.